नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले स्क्रीन पर जो है हमारे ऑफिस का नंबर है, अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ते हैं। तो ये प्लान जो है क्लाइंट के लिए बनाया गया था, कस्टमर के लिए बनाया था, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। 44 फीट बाय 48 फीट 6 इंच का प्लॉट का साइज़ है। यह प्लॉट जो है साउथ फेस में है, मतलब ये जो रोड है ये साउथ की दिशा में, मतलब दक्षिण की दिशा में है। 44 फीट जो है फ्रंट है और 48 फीट 6 इंच जो है लेंथ है। ये डुप्लेक्स हाउस प्लान है, इसका ऊपर का फ्लोर का प्लान भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे हमारा मेन गेट है, मेन गेट से एंट्री करते हैं तो पार्किंग के लिए जगह मिलती है। हमारे दो पार्क कार जो है आराम से पार्क हो सकती है। यहाँ पे गार्डन के लिए पैसे छोड़ा गया है, इस साइड में 3 फीट जगह छोड़ी है, पीछे साइड में भी 3 फीट का ऑप्शन छोड़ा है वेंटिलेशन के लिए। उसके बाद में एंट्री कर रहे हैं इस हॉल में। 19 फीट बाय 22 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और स्टेयर केज जो है लिविंग रूम से ही दिया है, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक किचन दिया गया है, किचन कम डाइनिंग है। लगभग 16 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का इस किचन कम डाइनिंग का साइज़ है, मतलब 16.5 फीट बाय 14 फीट का। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, यहाँ पर बाथरूम और यहाँ पर WC दिया गया है, टॉयलेट दिया गया है, जो लिविंग रूम से हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और किचन से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेडरूम दिया है 12 फीट 10 इंच बाय 14 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब लगभग 13 फीट बाय 14 फीट का। इस बेडरूम को पीछे साइड में एक डोर भी दिया गया है इस जगह को यूज़ करने के लिए। उसके बाद में हमारा मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसका साइज़ भी 12 फीट बाय 14 फीट का है, मतलब 12 फीट बाय 14 फीट का। इसे एक अटैच वाले बाथरूम भी दिया गया है और दो विंडोज बताए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस टाइप में ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। अब फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी एक बार देख लीजिए किस टाइप में बनाया गया है। देखिए फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 रूम दिया गया है। जो नीचे 2 रूम थी वो सेम एडजस्ट किया गया है। बेडरूम जो है यहाँ पर मास्टर बेडरूम है, ये सेम है, और कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी सेम दिया गया है। और यहाँ पर जो एक बेडरूम है, इस बेडरूम का भी साइज जो है सेम है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पे किचन था उसे एक बेडरूम बताया गया है, लगभग 16 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है। मतलब ऊपर जो है 3 बेडरूम है और नीचे जो है 2 बेडरूम है। और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से एंट्री कर रहे हैं तो देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर होती है इस गैलरी पर। यहाँ से हम इस बालकनी से बाहर भी निकल सकते हैं या तो इस पोर्च पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉल है, इस हॉल का स्लैब जो रहेगा वो डबल फ्लोर पर रहेगा, मतलब दूसरी मंजिल पर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप में 44 फीट बाय 48 फीट 6 इंच का यह पूरा डुप्लेक्स हाउस प्लान था, साउथ फेसिंग हाउस प्लान था, 5 BHK हाउस प्लान था। तो इस आशा करता हूँ कि यह प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।